नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं,
इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और उस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और उस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को
14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू
महालिंगम है। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में।
दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर, यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर, यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका
निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ
2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को
14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए
थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं,
इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को
14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए
थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं,
इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत,
एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू
महालिंगम है। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। और 14 नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर, यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर, यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में।
दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपये की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका
निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है
और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू
महालिंगम है। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में।
दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपये की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं A.R. रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपये की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका
निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं
2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा, सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था ऑफिशियल लैंग्वेज वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन किए थे और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर। यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वो शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को
14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन ये थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर, यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू महालिंगम हैं। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की और एक मूवी रिव्यू की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है 2.0। जी हाँ, यह रजनीकांत और अक्षय कुमार के सबसे ज़बरदस्त और धमाकेदार मूवी में से एक है। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और कौन कौन से हीरोइन हैं, इस 2.0 मूवी की जो रिव्यू करेंगे हम, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी ने कितना कमाई किया था और इस मूवी की उद्देश्य क्या था बनाने को लेकर, और इसका निर्देशक कौन कौन ये थे, और यह फिल्म कितनी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की थी या हिट हुई थी या क्या हुई थी, और यह कब पब्लिश की गई थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेजफुल अपडेट आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं 2.0 मूवी को लेकर, यह एक भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है और इसके लेखक जो हैं वह शंकर और जयमोहन हैं। यह 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन रोबोट का दूसरा भाग है। वहीं आपको बता दें कि इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डंगला और अक्षय कुमार लीड रोल में नज़र आएंगे। वहीं ए आर रहमान ने फिल्मों में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया था और 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया गया था। इसी के साथ इसके निर्माता जो हैं वो अली राजा सुभाष करण और राजू
महालिंगम है। और इसी के साथ इसमें जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित कर दी गई थी। इस मूवी की 400 करोड़ रुपए की लागत में यह मूवी को बनाया गया था और इस मूवी की कुल कमाई जो हुई थी वह 656 करोड़ रुपए हुए थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो तमिल था और 14